एक मैं आऊंगा, एक मिश्रा जी, क्या वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दलितों के साथ, या फिर राजनीति हो रही है? नहीं आसिफ, देखिए ये जो इशू है ये सोशियो पॉलिटिकल इशू है, यानी सोशल जो है डायनामिक्स और पॉलिटिकल दोनों ही इसमें मिक्स हैं। और अगर रूट कॉज की एनालिसिस करें तो आप ये फाइंड करेंगे ना, दलित ऑफ कोर्स जो लोग निर्बल हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कम्युनिटी या कास्ट आप देखिए जो उनमें गरीब हैं, जिनकी स्थिति दलितों जैसी है, भले ही वो सूचीबद्ध तरीके से सरकार की निगाहों में दलित नहीं है। अगर मैं उन सारे लोगों की बात करूं, यहां पे देखिए भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, एक भी मौका सोसाइटी में कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ हो उस चीज़ को ऐसा मुद्दा बनाया जाता है, और मुद्दा बना करके मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, मुद्दा बना के ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका इफेक्टिव सोल्यूशन सिर्फ मेरे पास है, जबकि वो इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होता है, वो केवल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो है किसी सोशल इशू को पॉलिटिसाइज करना होता है अपने वोट बैंक के बेनिफिट के लिए और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं, मैं बोल रहा हूँ कि असली तरीके से जो ये इशू है, मान लीजिए निर्बल या दलितों की अगर उनको मजबूत करना है तो इस इशू को स्ट्रेटजिक वे में किस तरीके से एड्रेस किया जाए, ये कोई गवर्नमेंट नहीं देखिए। अगर आप बीजेपी की देखें तो बीजेपी दलितों को साथ लेना चाहती थी, इसको लेकर उन्होंने अंबेडकर साहब के नाम के आगे राम जी भी जोड़ा, और एक बड़े पद पर और देश के सबसे बड़े पद पर भी इसी समाज से, इसी समुदाय से लेकर जोड़ा उन्होंने, और कई योजना चलाने की बात करें तो क्या अब लग रहा है कि बीजेपी या केंद्र सरकार से कुछ रूठ रहे हैं, छटक रहे हैं, ये उल्टा हो गया? नहीं आसिफ देखिए, नहीं ये डेफिनेटली जो अभी ये 2 तारीख को आंदोलन हुआ है और एक ऐसा संतोष हुआ है, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक चैलेंज डेफिनेटली बीजेपी के लिए उत्पन्न हुआ है, और इस चैलेंज को ये कैसे मैनेज करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छा जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन सवाल रामनाथ कोविंद जी अगर वो जो दलित हैं उनको किस चीज की कमी है? वो दलित नहीं है सर, वो जितने नेता मंत्री हैं वो सब संपन्न है। बात हम यहां कर रहे हैं देश के जो पूरी जनसंख्या में जो कतार में आखिरी आदमी लगा हुआ है, और अगर वो दलित है और कमजोर है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। 500 लोग, मैं बोलता हूं पूरे संसद में सारे के सारे 500 दलितों को आप मंत्री बना दीजिए, उससे सारे दलितों की समस्या समाप्त नहीं होती है। कतार मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए दलित कौन है, आप जाके देखिए 2 बजे की चिलचिलाती हुई धूप में जो शाम की रोटी के लिए खेत में काम कर रहा है, मदद वहां तक पहुंचनी चाहिए, कल्याण उसका होना चाहिए, तब जाके असली हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्टी हितैषी है दलितों की। लेकिन तो बाकी पार्टियों में जो हालात है, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बन गए, या 4 साल में एकदम बदल नहीं जाएगा ये सब? नहीं देखिए 4 साल में भी नहीं बदलेगा। देखिए रोना तो इसी बात का है आसिफ कि 70 साल हो गए और सारी सरकारों ने, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि भाई बेस्ट अप्रोच उन्होंने अपना लगाया समाज के सारे वर्गों को बढ़ाने के लिए, करने के लिए। क्वेश्चन ये है 70 साल के बाद अगर वही मुद्दे फिर से उठ रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था वो टारगेट हमें मिला नहीं है। पॉवर्टी लाइन से जो है ऊपर किसी को उठाने के लिए, किसी को मजबूत करने के लिए, तभी तो ये मुद्दे उठ रहे हैं। अच्छा मुद्दा अगर उतना गंभीर भी ना हो तो आजकल आप देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एक छोटी सी चीज को हवा बनते हुए देर नहीं लगता, और इसको हवा बनाने में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी नेता है आग में घी। यहाँ पर क्या यहाँ पर सरकार फेल होती नजर आई, वो भाप नहीं पाई इसलिए मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाई? नहीं देखिए, अगर जो भी हमारा टास्क है अगर गवर्नमेंट उस रिजल्ट को डिलीवर नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली वो फेल्योर है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो विलफुल फेल्योर है, जानबूझ के फेल होने दिया गया कि ठीक है एक कैजुअल वे में, भाई हम कंडीशन की गंभीरता को नहीं जानते थे। बहस का मुद्दा या इशू आसिफ ये नहीं है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आसिफ, देखिए कानून हजारों हैं और इससे भी सख्त से सख्त कानून हमारे देश में है, और सख्त कानून होने के बाद भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कानून बना देना और उसको रियल वे में इंप्लीमेंट करवाना पूरे देश में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं बोलता हूं कि एक सिंपल सा कानून ये भी है कि भाई कहीं से किसी का भी उत्पीड़न ना हो, अगर आप उसी कानून का अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवाइए तो ये सारे के सारे केसेस होंगे नहीं। और मैंने आपको बोला देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल इशू ये है, केवल कानून बना देने से, केवल पॉलिटिकल अप्रोच ले लेने से, किसी को मंत्री बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सब जरूरत जिन लोगों का है जो झोपड़ी में रह रहे हैं, वहां तक मदद कैसे पहुंचे, इस चीज के बारे में कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट डेवलप कर ही नहीं।